हाय गाइस, मेरा नाम है सुहेल खान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्लोर ऑटोकैड। तो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑटोकैड में ट्रिम कमांड किस तरह यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करने का क्या तरीका है, उसकी शॉर्ट की क्या है और वो किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड में जाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं जो मैं आज आपको ट्रिम करके दिखाऊंगा कि ट्रिम कमांड किस तरह यूज़ होता है, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। आप कभी कोई ड्राइंग करते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा लाइन जो होती हैं, जैसे हम कोई ऑफसेट लगाते हैं किसी वॉल पे, तो जो उसकी कॉर्नर में जो एक्स्ट्रा लाइन बन जाती है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि दो एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हटाने के लिए अक्सर क्या होता है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये पूरी लाइन मेरी इरेज होगी या डिलीट होगी। तो बट मुझे ये इतनी लाइन इसको इरेज करनी है, डिलीट करनी है, तो इसीलिए ट्रिम कमांड का यूज़ होता है। जो कोई एक्स्ट्रा लाइन होती है जो आपके प्लान में इंटरफेयर करती है, उसको इरेज करने के लिए भी ट्रिम कमांड का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको उसकी शॉर्ट की याद है, जो कि टी आर डबल स्पेस दे के भी हम ले सकते हैं, इसकी शॉर्ट की है टी आर डबल स्पेस ट्रिम। अगर आपको उसकी शॉर्ट की याद नहीं तो आप यहाँ पर होम में जाकर आप यहाँ देख सकते हैं, ये ट्रिम कमांड आपको शोकेस कर रही है। आप यहाँ से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी शॉर्ट की यूज़ करूँगा, देखिएगा टी आर डबल स्पेस, तो ये मेरी कमांड रेडी है। अब आप देखिएगा कि मैं इसको किस तरह इन एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम करता हूँ। तो मैंने टी आर डबल स्पेस देके ट्रिम कमांड ली, और उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे जो ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है उस पर क्लिक करना है। ये देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इरेज और इसका सेकंड पॉइंट भी इरेज। तो दोस्तों, इस तरह ये जो एक्स्ट्रा लाइन होती है ये इस तरह ट्रिम कमांड से इरेज हो जाती है। आपको मैं दिखा दूंगा, अगर आप देखेंगे कि मैं लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है इरेज होने की या डिलीट होने की, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये अंदर की जो लाइन है इसको इरेज करना है इस रेक्टेंगल के अंदर। तो मैं वही आपको करके दिखाऊंगा, देखिएगा टी आर डबल स्पेस, ये देखिएगा किस तरह ये लाइनें ट्रिम हो रही हैं। जो एक्स्ट्रा लाइन है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन होती है जो हमें सिर्फ और सिर्फ उतने ही जितना हम चाहें उतना इसको ट्रिम करना चाहें उतना ही हो सकता है, ये देखिएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ट्रिम कमांड क्या होता है, उसको किस तरह यूज़ किया जाता है, उसकी शॉर्ट की क्या होती है। तो गाइस, जैसे आज हमने सीखा कि ट्रिम कमांड का कितना यूज़ है ऑटोकैड में, ऐसे ही मैं आगे आपके लिए नई नई चीज़ें लाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा अपने वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू। तो मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को देखते रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें। एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।